हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिफैक्ट्स। इस वीडियो में हम टाइम कैप्सूल और म्यूकर माइकोसिस के बारे में जानकारी लेते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला फैक्ट है टाइम कैप्सूल के बारे में। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशिष्ट सामग्री से बनाया जाता है। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना कर सकता है। इसे जमीन के अंदर दफनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि टाइम कैप्सूल बनाते ही क्यों हैं? टाइम कैप्सूल को बनाने और दफनाने का मकसद किसी समाज, काल या देश के इतिहास को सुरक्षित रखना होता है। यह एक तरह से भविष्य के लोगों के साथ संवाद है। अगर हमें टाइम कैप्सूल दफनाना है तो उसके अंदर हमारी ज़रूरत की चीज़ें और दस्तावेज रखकर अंदर तारीख लिखेंगे और टाइम कैप्सूल के ऊपर जब उसे खोलना है वो साल लिखेंगे। इसी तरह अगर मनुष्य की सभ्यता नष्ट हो जाती है तो आगे की सभ्यता को टाइम कैप्सूल के द्वारा इतिहास की जानकारी मिल सकती है। टाइम कैप्सूल को लाल किला, कानपुर के IIT और कृषि विद्यालय में रखा जा चुका है। टाइम कैप्सूल शुद्ध एल्युमिनियम और तांबे जैसी मजबूत धातु से बनाया जाता है। उसके अंदर की चीज़ें या दस्तावेज एसिडलेस होनी चाहिए ताकि वो हजारों सालों तक टिकी रहे। दूसरा फैक्ट है म्यूकर माइकोसिस, इस फंगस के बारे में। दरअसल ब्लैक फंगस ज़्यादातर उन्हीं लोगों पर अटैक कर पाता है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज ज़्यादातर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनकी इम्यूनिटी लेवल कम हो जाती है और ब्लैक फंगस उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। अब सवाल यह है कि म्यूकर माइकोसिस क्या होता है? यह फंगस म्यूकोरलस फैमिली से आता है और इस प्रकार की फंगस लगभग हर जगह पर पाई जाती है। सॉइल में, एनवायरनमेंट में, डिकेइंग फूड, सब्जियों में, फलों में ये बहुत कॉमन है। कॉमन इसलिए कि अगर यह फंगस आपके शरीर के अंदर चला जाता है और आप एक फिट इंसान हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं हो सकता। पर अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है या आपने बहुत सारे स्टेरॉइड्स ले लिए हैं तो इसका इन्फेक्शन आपको जल्द से जल्द हो सकता है। COVID-19 के ट्रीटमेंट के दौरान काफ़ी लंबे समय से अगर स्टेरॉइड्स लेना शुरू है तो म्यूकर माइकोसिस आसानी से हो जाता है। क्या व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस और येलो फंगस अलग अलग है? इन फंगस के नाम सिम्पटम के आधार पर दिए गए हैं। ब्लैक फंगस में नेजल एरिया ब्लैक कलर का हो जाता है। व्हाइट फंगस में जीव व्हाइट कलर की हो जाती है या ओरल कैविटी में व्हाइट पैचेस आ जाते हैं। येलो फंगस में टायर्डनेस और संकन आइज ऐसे सिम्टम्स होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और यूनिफैक्ट को प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद।